हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह बोले तो अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं इतनी जल्दी से हो गई हूँ आज रेडी। तो सुबह का ना खाना पीना सब बन गया था और साड़ी का ना बहुत जिद कर रही थी साड़ी पहनना। आज साड़ी पहन के मिलना, मुझे रोज़ बोल के जाती है, पहनती नहीं हूँ। आज स्पेशली बोल के गई थी, स्पेशली का रोज ही बोलती है। तो हस्बैंड जी भी बोले चल पहन ले, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है। तो यहाँ पे मैंने पहन ली है साड़ी। तो मैंने साड़ी पहन के ऐसी घूम रही थी तो हस्बैंड जी बोलने लगे कैसी लग रही है साड़ी पहन ले, कंगी वंगी कुछ करी नहीं है। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। तो अभी वो जा रहे हैं, देखो उनका थैला पैक हो गया है, मतलब उसमें खाना पीना लेके आता है और दोनों शॉप का सामान भी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी अक्षु जो है सो गई है और हस्बैंड चले गए हैं। और आज मैंने पहनी है ये देखो, ये रेड साड़ी और ये ग्रीन ब्लाउज़। ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आज पहनी है रेड साड़ी। तो ना साड़ी का सुबह फरमाइश कर रही थी अपने पापा के सामने कि मम्मा रेड साड़ी पहनना आज। तो मैं ना ये साड़ी बहुत कम पहन रही हूँ आजकल, वैसे साड़ी कम ही पहन रही हूँ, गर्मी हो रही है। तो पहन रही थी ये वाली साड़ी पहनना। इसका जो ब्लाउज़ है ना मैंने सिला हुआ, वो ना इनर वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा ना उसमें गर्मी लगती है। तो ना मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये स्ट्रेचेबल है, ये बहुत अच्छा है इसमें। तो मैंने चलो आज पहन लेते बोल के गई थी, सुबह पापा के सामने भी बोल रही थी, इसके पापा कह रहे चलो पहन लियो। तो ना सुबह मैं पहन ली थी। तो अभी मेरे काम पड़े हुए, दिखाती हूँ आपको किचन में। ये देखो मेरा किचन अभी करना बाकी है, और पोछा लगाना बाकी है, और सारे काम तो हो गया था। झाड़ू वाड़ू सुबह लगा लिया था और सुबह के थोड़े से बर्तन पड़े मेरे, मैंगो शेक वगैरह बनाया था। और ये किशमिश ना ये देखो कैसी हो गई है, ये ना पता नहीं बारिश के मौसम में हो रही है या फिर यहाँ पे पता नहीं क्या सीलन की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम हो रही है ऐसी। तो ना मैं इसको हवा में रखूँगी अभी खोल के। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि ना अभी सच बताऊँ तो मैंने ना सुबह से चाय भी नहीं पी थी। और सारिका के जाने के बाद हस्बैंड जी का खाना बनाया, उसके बाद मैं नहा ली थी और मंदिर वाले रूम में पोछा लगाया, तो पूजा वूजा करके, और उसके बाद हस्बैंड जी चले गए। तो चाय वगैरह अब मैं पीने बैठी हूँ, तो आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पर बिस्किट खा रही हूँ मैं चाय से, और उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ना मैं पहले रोटी बना लूँगी अपने लिए, दो रोटी बना के रख दूँगी दोपहर में खाने के लिए। मुझे ना गर्म रोटी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता आजकल गर्मियों में, ठंडी रोटी पसंद है मेरे को। तो इसलिए ना मैं अपने लिए दो रोटी बना के रख देती हूँ और थोड़े से चावल खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी अक्षु भी जो है यहाँ पे देखो उठ गई है, ओ देखो। और ना मैं रोटी बना रही थी, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। मैं ना रोटी बना रही थी और एक बार दो ही रोटी बन पाई, तवे पे रोटी पड़ी। मैं ना गैस बंद किया ही, मैंने सोचा सो जाएगी देखो, लेकिन ये सोई नहीं है। देखो तवे पे रोटी है, गैस बंद है और ये सोई नहीं, मैंने सोचा सो जाएगी। दोबारा मैं इसके साथ लेटी लेकिन ये सोई नहीं है और मुझे काम करना है, इसको नहलाना धुलाना भी है, लेकिन पहले सोच रही थोड़ा काम कर लूँ। चलो करते हैं अभी। तो थोड़ी देर अक्षु के साथ खेलने के बाद उसको टीवी चला दिया, अभी वो टीवी में थोड़ा सा बिज़ी हो गई है, वॉकर में बैठी हुई है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो सबसे पहले जो है सामान वगैरह थोड़ा सा मैंने ना समेट दिया है, और उसके बाद कर देती हूँ अपनी गैस वगैरह जो है यहाँ पर क्लीन। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड्स न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से किचन की अपनी जो सफाई। अभी जो ना मैं बर्तन तो धो रही थी, लेकिन ना मेरी नज़र बार बार अक्षु पे ही जा रही थी। अक्षु क्या कर रही है, बार बार ना सामान वहाँ पे फेंकने जा रही थी, कभी क्या घेर देती है कभी क्या घेर देती है। यहाँ पे मैं काम किचन के निपटा रही हूँ और वहाँ पे ना वो दूसरे काम जो है मेरी फैलाने लग रही है। तो ये देखिए मेरे बर्तन जो हैं सारे धुल चुके हैं, और यहाँ पर सिंक भी है जो मैंने अपने अच्छे से साफ़ कर दिया है।
और इसके बाद ये बॉटल्स जो मैंने भरी थी वो भी बॉटल्स हैं, फ्रिज में लगा दे रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आरओ का पानी तो पीने का मन ही नहीं करता। ठंडा पानी जब तक पियो ना प्यास नहीं बुझती है। तो देखिए किचन का जो है काम सारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे ये देखिए हमारी अक्षु ने क्या हाल करा है। तो ये देखो यहाँ पे चेयर फेंक रखी है और यहाँ पे जो कपड़े हैं देखो उसमें से गंदे कपड़े जो पड़े हैं उसमें निकाल निकाल के और सारे नीचे फेंक देती है। तो अब मैं किचन का काम ख़त्म करके आई हूँ तो सबसे पहले यहाँ का काम जो है समेटूँगी। मेरा ऐसा ही लगा रहता है पूरे दिन, एक जगह का काम मैं ख़त्म करती हूँ और दूसरा काम मेरे लिए ऑलरेडी खड़ा रहता है कि अब उसके बाद मुझे ये काम समेटना है, फैला रहता है हर वक्त। तो ये देखिए अभी मेरे सामान जो है सारा समेट दिया और उसके बाद मैं आ रही हूँ कूलर के सामने हवा खाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे किचन से जब मैं काम करके निकली बर्तन धोके, और ये देखो अक्षय भी हवा खा रही है। उससे बोलो ना हवा, मतलब गर्मी लग रही है, हवा कैसे खाते हैं ऐसे हाथ आगे करके और ऐसे मुंह फैला के हवा खाती है। तो यहाँ पे अक्षय और मैं दोनों यहाँ पे हवा खाने के बाद, तो अक्षय है ना उसको नहला करके ले आई थी क्योंकि अक्षय को नहीं नहलाया था मैंने सुबह, उसका नहाना बाकी था। तो अभी मैं उसको पहनाती हूँ अपने उसके सारे जो कपड़े वगैरह हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। उसको नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा मस्ती सूझती है और मतलब बाथरूम में भी जब नहाती है ना इतनी मस्ती करती रहती है पूछो मत। और अभी मैंने अक्षु को कर दिया रेडी, तो अभी मैं थोड़ा सा बेड ठीक कर रही हूँ। वैसे बिस्तर तो मैंने सुबह ही ठीक कर दिया जब झाड़ू लगाया था, झाड़ लिया था, लेकिन अभी मैंने जब अक्षु को सुलाया था ना तो इसके आसपास जो है ना पिल्लो लगानी पड़ती है, नहीं लगाती है तो ना इसके गिरने का डर रहता है, उठ के भागती है। तो अभी मैंने ना अक्षु को नहला दिया है देखो, और इसे खाना वाना भी सब खिला दिया है और आप देखो ये सोती है तो मैं इसे सुला देती हूँ। बस मेरा ना पोछा पोछा रह गया और ये देखो मेरे कपड़े ऑफ आया, यहाँ पे कपड़े ये उतार के रखे हुए हैं बाहर से मैंने, और ये रैक पे भी कपड़े पड़े हुए हैं जो धोए थे मैंने ये भी उतारे नहीं है। तो ये कपड़े भी मुझे फोल्ड करने हैं, इसको पहले सुला दूँ फिर देखती हूँ पोछा लगा लूँगी और फिर कपड़े फोल्ड कर लूँगी फटाफट से जब तक सारिका के आने का भी टाइम हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी अक्षु जो है यहाँ पर सो गई है और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे जो मेरे रैक पे ये कपड़े सूख रहे थे वो कपड़े उतारने के लिए आ गई हूँ। और फोल्ड अभी नहीं करूँगी, फोल्ड बाद में करूँगी, पहले लगाऊँगी मैं पोछा बिल्कुल धीरे धीरे से ताकि आवाज़ ना हो और मेरी अक्षु ना उठे, क्योंकि पोछा ना जब मैं लगाती हूँ ना ड्राई करती हूँ ना तो उसकी आवाज़ सुन के उठ जाती है। तो कूलर तो चल ही रहा है और ना मैं थोड़ा आराम नाम से जो है पोछे को ड्राई कर लूँगी और लगा देती हूँ, नहीं तो रह जाएगा ना फिर और लेट हो जाएगा। और कपड़े भी जो अभी बाद में फोल्ड करूँगी, तो पहले तो मैं आ गई थी इधर जब मैं अक्षु को नहला रही थी ना तो अक्षु की टी शर्ट और सारिका की एक दो टी शर्ट थी, मतलब छोटे मोटे कपड़े थे जो मैंने ना धो के डाल दिए थे, बस ना मैं पानी में ना खंगाल नहीं पाई थी। तो अभी मैं पानी लेने आई थी पोछे के लिए तो वो कपड़े देखे कोई, तो मैंने वो कपड़े भी जो है यहाँ पर निचोड़ के रख दिए और सुखा दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी इधर अपने ये ना सामान लेकर के आए थे हस्बैंड जी कुछ किचन का, तो चीनी नमक वगैरह था और वही सब जो है मैं यहाँ पे डब्बे में निकाल दे रही हूँ क्योंकि ना नीचे रख के चले गए थे वो, उस टाइम पे मैं रख नहीं पाई थी संभाल के। तो अभी मैंने सोचा पहले इसे कोई संभाल लेती हूँ उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। तो अभी सारा सामान जो है निकाल के रख दिया मैंने डब्बों में और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो मैंने ना पहले दरवाज़ा बंद कर दिया है रूम का ताकि अंदर बिल्कुल भी आवाज़ ना जाए और उसके बाद मैं यहाँ लगाने लगी हूँ पोछा। बहुत ही ध्यान से मुझे जो अपने घर के काम करने होते हैं अक्षु सो रही होती है तो ताकि आवाज़ ना हो और वो उठ ना जाए, वैसे थोड़ी सी देर सोती है वो, थोड़ी सी आवाज़ होते ही उठ के बैठ जाती है।
और अभी जो है मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो अभी मैं आई थी मैंगो शेक लेने के लिए, सुबह बनाया था ना मैंगो शेक, तो मैंने नहीं पिया था, अपने लिए बचा के रख दिया था मैंने। तो अभी मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए, अब मैं आराम से कूलर के सामने बैठ के यहाँ पे पीऊँगी अपना मैंगो शेक। तो अभी 2 बज गए हैं और सारिका मेरी अभी तक नहीं आई है आज। अभी मैंने ना वैन वाले भैया को फ़ोन किया था, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा लेट आऊँगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरी गाड़ी में लेकर आ रहे हैं। तो पता नहीं, कह रहे अभी 10 मिनट और लगेंगे, अभी वेट कर रही हूँ मैं उसका, देखते हैं अभी और कितनी देर में आएगी। तो अभी जो है मेरी सारिका आ गई है और 2:15 बजे वो आज आई है, और उसका टाइम तो आज बिल्कुल ही मतलब 1:30 बजे आ जाती है, और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो और आते ही ना इसने मेरे को देखा और खुशी के मारे पागल हो गई, मम्मा आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मेरे से चिपकी हुई है। और यहाँ पे ना मेरा हाथ दर्द हो गया, काफ़ी देर से मैं बाहर खड़ी हुई थी, अक्षु को नीचे बिठा दिया था। तो सारिका को देख के अक्षु फिर से खड़ी हो गई मुझे पकड़ के। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। और अब हम खाएंगे खाना पीना, तो खाना पीना अब मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।